नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स। आज है 24 मार्च 2021 और 24 मार्च को जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन हो सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मॉर्निंग में ही मिल जाया करे। तो चलिए बिना किसी देरी किए पढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या है करंट में। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री एवं अभिनेता को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए अवार्ड मिले हैं वो भी इनमें फिल्मों में और नेशनल अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो पहले नंबर पर कंगना रनावत, यह हैं कंगना रनावत को मिला है, फिल्म उनकी मणिकर्णिका आई थी और पंगा, ठीक है। इन दोनों फिल्मों के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मनोज वाजपेयी जो कि ये हैं मनोज वाजपेयी, इन्हें इनकी फिल्म भोंसले के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह हैं धनुष, ठीक है, ये साउथ इंडियन हीरो हैं। ये इनकी फिल्म असुरन के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है भाइयों। तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जोशी और उनकी पहली हिंदी किताब का विमोचन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो उनकी किताब का नाम बताना है, किताब का नाम है एक प्रतिध्वनि जन केंद्रित शासन, ठीक है। तो राजनाथ जी ने जो कि हम केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने उस किताब का विमोचन किया है। और वो किनके द्वारा लिखी गई है, एक IAS अधिकारी हैं जोशी जी, उनकी पहली हिंदी किताब है, ठीक है, उसका विमोचन किया है राजनाथ सिंह ने जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। किताब का नाम है एक प्रतिध्वनि जन केंद्रित शासन। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम है सीजर सेन गुप्ता। ये हैं सीजर सेन गुप्ता और ये गूगल के वाइस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो सीजर सेन गुप्ता नाम है इनका। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस भारतीय निशानेबाज मिश्रित जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय हैं मिश्रित जोड़ी, ठीक है, दोनों साथ हैं इसलिए मिश्रित जोड़ी कहा जाता है, दोनों साथ मतलब भाग लिया है इन्होंने। तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, ठीक है, ध्यान रखिए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो पेपर में तो आना जरूरी है यहाँ से, ठीक है, जो भी इनाम जीते जाते हैं वहाँ से या पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, तो या पदक मिलते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके पेपर में। तो इनका नाम है सौरभ चौधरी और मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर ही नाम है, कभी भास्कर समझो आप, मनु भाकर हैं और सौरभ चौधरी, ये हैं सौरभ चौधरी और ये हैं मनु भाकर, ठीक है भाइयों। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कौन सा फुटबॉलर फ्रेंच लीग 1 में 100 गोल दागने वाले सबसे युवा फुटबॉलर बन गए हैं। उन्होंने उन्होंने सेंट एंटीने के हेरवे रेवेल्ली का 52 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेंट एविने के हेरवे रेवेल्ली का 52 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। तो 52 वर्ष से कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था उनका, तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका नाम है काइलियन माम्बापे, ठीक है, माम्बापे इनका नाम है, ये हैं काइलियन, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 23 मार्च को मतलब कल को, कल जो विश्व इसके दिवस में मनाया गया था, ठीक है, प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु के उसमें मनाया जाता है, ठीक है, शहीद दिवस 23 मार्च को। तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये वही अवार्ड है जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, नेशनल अवार्ड जो है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला है छिछोरे मूवी को, ठीक है, ये सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी। और आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। केंद्र सरकार ने देश भर में SARS-CoV-2, ठीक है, COV-2 की जीनोमिक निगरानी के लिए किसकी स्थापना करने की घोषणा की है। तो ये है देखिए जीनोमिक्स कंसोर्टियम, ठीक है, तो ये इसकी स्थापना करने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो इसकी जीनोमिक निगरानी के लिए, ठीक है, जीनोमिक निगरानी मतलब इनके जीन की निगरानी की जाएगी, ठीक है, कोविड-19 के। तो
तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस देश में हिमालय के ग्लेशियर की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण किया जाएगा, मतलब हवाई जहाज से सर्वेक्षण किया जाएगा रडार के द्वारा कि इसकी मोटाई कितनी है, ठीक है। तो ऐसा भारत ही कर रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि हिमालय के ग्लेशियर की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया, तो भारत के द्वारा किया गया, ठीक है भाइयों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य ने डायल 112 ERSS और राज्य आपातकालीन प्रतिक्रियाएं केंद्र शुरू किया है, ठीक है। एक केंद्र खुला है इस तरह का, ठीक है भाइयों। तो उड़ीसा ने किया है ऐसा। उड़ीसा की बात की जाए तो भारत में स्थिति यहाँ पर है और इसकी कैपिटल भुवनेश्वर और जो इसके गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल, ठीक है। गणेशी लाल जी इसके गवर्नर हैं उड़ीसा के। और सीएम की बात की जाए तो वह हैं नवीन पटनायक, ठीक है भाइयों। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। तो वीडियो में आज की मैं इतना ही। जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था वो था कि अमेजोन के सीईओ का नाम पूछा था मैंने आपसे, तो इनका नाम है जेफ बेजोस, ठीक है। अमेजोन के सीईओ हैं ये। और जो आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आप जवाब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा वो है आपका कि हिमालय की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको सेकंड नंबर की बतानी है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और हिमालय की उत्पत्ति पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे बना सब कुछ मैंने उसमें बताया है। आप ऊपर आई बटन में नोटिफिकेशन में उस वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एग्जाम कंटेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम पर ही। और लाइक कीजिए वीडियो को अच्छे लगे हो तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाइयों को और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम फिर कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you.